पुलिस से हुई मुठभेड़, इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, लूट के मामले में फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के कोतावली दादरी थाना क्षेत्र स्थित ओमिक्रॉन के पास बुलेट सवार बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। लूट के मामले में फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद 25,000 के इनामी बदमाश मनीष को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा ने बताया कि मनीष दादरी में मनी ट्रांसफर का काम करने वाले राकेश के साथ हुई लूट का वांछित अपराधी है। ये लूट की वारदात उसने 9 जुलाई को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी थी। पुलिस ने मनीष के 3 साथियों को 17 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मनीष फरार चल रहा था। उस पर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा ने बताया कि आज पुलिस के मुखबिर से जानकारी मिली थी कि मनीष सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन सेक्टर के पास पुलिया ने आरोपी को घेर लिया। अपने आप को घिरा देख मनीष ने पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एडिशनल DCP ने बताया कि पूछताछ में मनीष ने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है और 6 महीने पहले वह कासना थाने से जेल गया था। आरोपी मनीष के कब्जे से पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। दादरी में एक घटना लूट की लिखी गई थी। 9 जुलाई की घटना थी। 11 तारीख को FIR पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी राकेश ने बताया कि वो मनी ट्रांसफर का कार्य यहीं अजायपुर में रह करके करता है। उसी से जो है 1.5 लाख की लूट की गई थी, जिस विवेचना के दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उन चारों अभियुक्तों के प्रकाश में आने के कारण 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल ही कर ली गई थी। उसी महीने में 2-3 दिन बाद 17 जुलाई को एक अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसका नाम मनीष था। आज मुखबिर की सूचना मिली थी कि मनीष जो है कोई घटना कर सकता है। एक सफ़ेद रंग की बिना नंबर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल से वो अकेले ही टहल रहा है। इस सूचना पर चेकिंग लगाई गई थी। उस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई थी। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने जो है हमारी टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की और जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको उपचारार्थ भेजा गया है। पूछताछ के दौरान उसने जो है स्वीकार किया कि हाँ, वो लूट में शामिल था। वह अलीगढ़ का रहने वाला है और यह भी जानकारी हुई है कि कासना से वो अभी 6 महीने पहले जेल गया था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।